आखिर टाटा ग्रुप कितना बड़ा है और क्या आप जानते हैं कि टाटा की कंपनियां कौन कौन से देशों तक फैली हुई है। आज आप टाटा ग्रुप की ऐसी ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जिसके बारे में जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं टाटा ग्रुप के पूरे बिजनेस के इतिहास के बारे में। जानकारी के लिए बता दें कि टाटा ग्रुप आज कोक, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ मिलकर 100 से अधिक देशों में अपना बिजनेस चला रहा है। सबसे पहले शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। टाटा समूह के पास ताज केपटाउन नाम का होटल सैन फ्रांसिस्को का सबसे बड़ा और लग्जरी होटल में से एक है। टाटा समूह का एक और होटल न्यूयॉर्क में भी है जिसका नाम द पियर है। ये होटल दुनिया के बेहतरीन और न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित होटल में से एक है। टाटा टेटलिटी अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी और कनाडा की सबसे बड़ी कंपनी है। गुड अर्थ अमेरिका की पहली सबसे बड़ी कॉफी कंपनी है जिसको टाटा ग्रुप ऑन करता है। एट ओक्लॉक अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कॉफी कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस नॉर्थ अमेरिका में अपनी खुद की 24 ऑफिस चला रहे हैं। अमेरिका के वायोमिंग में टाटा समूह की सोडा एश माइनिंग कंपनी भी मौजूद है। कनाडा में टाटा स्टील, ओहायो और पेंसिल्वेनिया में स्टील मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और मरीलैंड में कॉफी प्रोडक्शन प्लांट भी मौजूद है। नॉर्थ अमेरिका में टाटा ग्रुप की इन कंपनीज में लगभग 25,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अब चलते हैं नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में लगभग 9,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। अमेरिका और ब्राजील के बीच फर्स्ट सबमरीन फाइबर केबल नेटवर्क को जोड़ने का काम टाटा ग्रुप ने ही किया। टाटा ग्रुप दुनिया के सबसे बड़े सबसी फाइबर केबल नेटवर्क के भी मालिक हैं। आज टाटा ग्रुप के 25% से भी अधिक इंटरनेट रूट्स पूरी दुनिया में चल रहे हैं। अब चलते हैं साउथ अमेरिका से अफ्रीका। टाटा समूह के पास ताज केपटाउन नाम का होटल साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा और लग्जरी होटल है। जाम्बिया में टाटा ग्रुप का ताज पेमोजी नाम का होटल देश के सबसे शानदार होटलों में से एक है। साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका में दो विंड फार्म और जाम्बिया में हाइड्रोलिक पावर प्लांट भी टाटा ग्रुप के नाम है। टाटा ग्रुप की जोकल्स कंपनी दक्षिण अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी चाय की कंपनी है। टाटा ट्रक और बस जाम्बिया, साउथ अफ्रीका और केन्या में सबसे अधिक खरीदे जाते हैं। केन्या के मगाड़ी शहर में स्थित केमिकल प्लांट भी टाटा ग्रुप के नाम है जो अफ्रीका का सबसे बड़ा सोडाइश प्लांट है। साउथ अफ्रीका के मोजाम्बिक में स्थित बेंगा कॉल एंड पावर प्लांट भी टाटा ग्रुप चला रहा है। अब चलते हैं मोजाम्बिक से लंदन की ओर। बकिंघम पैलेस के पास शानदार ताज होटल ताज 51 बकिंघम गेट सूट्स भी टाटा ग्रुप के नाम है। टाटा ग्रुप के पास जेम्स कोर्ट नाम का होटल भी है जो लंदन के लग्जरियस होटल में से एक है। टाटा स्टेकल यूके की सबसे बड़ी चाय कंपनी है। यूरोपियन कंट्री की बात करें तो वाइटेक्स जो पोलैंड की सबसे बड़ी पहले नंबर की ब्रांड है। टाटा स्टील भी यूरोप की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। यूरोप में TCS को बेस्ट एम्प्लॉयर के तौर पर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। यूरोप में टाटा ग्रुप के लगभग 70,000 से भी अधिक एम्प्लॉयज काम करते हैं। टाटा ग्रुप की जेगवार लैंड रोवर कंपनी ब्रिटेन की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अब चलते हैं लंदन से ऑस्ट्रेलिया। TCS ने अपनी पहली सर्विस ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ओपन की थी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में TCS के 10,000 से अधिक कर्मचारियों के साथ क्वांटाज और टेलेस्ट्रा नाम के कई क्लाइंट टाटा ग्रुप के साथ काम करते हैं। इसके अलावा लोकप्रिय ऑस्ट्रेलियाई कॉफी मशीन ब्रांड मैप भी टाटा ग्रुप के नाम है। टाटा ग्रुप ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर नेक्स्ट डीसी द्वारा कई डेटा सेंटर ऑपरेट करते हैं। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया से एशिया। टाटा रेंज रोवर एशिया में सबसे अधिक बिकने वाली फोर व्हीलर में से एक है। UAE में भी टाटा मोटर्स अपने मीडियम एंड हेवी कॉमर्शियल व्हीकल भी बड़े पैमाने पर सेल करता है। TCS के UAE में कई कार्यालय हैं, जिनमें रियाद में कई महिला IT सेवा में भी शामिल हैं। वोल्टास एक एयर कंडीशनिंग ब्रांड है जिसमें कई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स डील किए जाते हैं। बुर्ज खलीफा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन UAE एंड बहरीन, फेरारी F1 रेस ट्रैक, इन सब में टाटा वोल्टास एयर कंडीशनिंग का ही यूज किया गया है। बुर्ज खलीफा में पूरा का पूरा एयर कंडीशनिंग टाटा वोल्टास द्वारा ही किया गया है और बुर्ज खलीफा में जो स्टील का उपयोग किया गया है वह भी टाटा स्टील का ही यूज किया गया है। टाइटन वॉच भी टाटा समूह के नाम ही है। टाइटन वॉच के कई ब्रांड ओमान और बहरीन में भी मौजूद है। UAE में दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनी है, ये कंपनी भी टाटा समूह के नाम है। UAE में टाटा ग्रुप की आलीशान होटल ताज दुबई भी है जो पाम जुमेराह जैसे लोकप्रिय स्थलों के नजदीक में है। अब चलते हैं UAE से साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी का नाम है टाटा देवू। टाटा देवू दक्षिण कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा हेवी कॉमर्शियल प्लांट है। सिंगापुर में टाटा स्टील प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा कट एंड बैंड स्टील प्लांट भी मौजूद है। थाईलैंड में टाटा ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्ग स्टील प्रोड्यूसर है। टाटा ग्रुप के इंडोनेशिया में तेल, गैस ब्लॉक और कोल रिसोर्स भी मौजूद है। साथ साथ टाटा ग्रुप के म्यांमार और वियतनाम में कई पावर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। अब बढ़ते हैं साउथ एशिया की तरफ।
मालदीव में भी लश कोरल रीफ नाम का होटल मालदीव के लग्जरियस होटल में से एक है, जो टाटा ग्रुप के नाम है। श्रीलंका में ताज बेंटोटा नाम का होटल और कोलंबो में भी टाटा समुद्र नाम का होटल टाटा ग्रुप चला रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टाटा ग्रुप नेपाल और जापान में टेलीकम्युनिकेशन सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। टाटा पावर भूटान में भी 126 मेगावाट दगाचू पावर प्रोजेक्ट चला रहा है। टाटा ग्रुप सबसे बड़ा ज्वेलरी स्टोर तनिष्क के नाम से भी इंडिया में चला रहे हैं। इंडिया में तकरीबन 160 से भी ज्यादा ज्वेलरी स्टोर मौजूद है। साथ ही साथ वे एयरलाइन विस्तारा का भी संचालन करते हैं। टाटा ग्रुप डिफेंस हेलीकॉप्टर को भी मैन्युफैक्चर करते हैं। टाटा ग्रुप ने न केवल एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य बनाया है, बल्कि रतन टाटा अपनी व्यक्तिगत और टाटा ग्रुप दोनों के सालाना प्रॉफिट का 66% दान कर देते हैं। पूरी दुनिया में टाटा ग्रुप कई सामाजिक संस्थाएं भी चला रहा है। इन 66% में रतन टाटा ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन और हेल्थ केयर, गरीब लोगों के पालन पोषण, आजीविका और स्वच्छता, इन सब जगह पर दान कर देते हैं। विशाल पैमाने पर लोगों की भलाई के लिए काम करने के कारण रतन टाटा और टाटा ग्रुप विश्व के अरबपतियों की सूची में नहीं है, क्योंकि उनका मकसद अमीर लोगों की लिस्ट में आना नहीं, बल्कि दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना है। रतन टाटा के लिए जनता का प्यार और उनका सम्मान सबसे ज्यादा मायने रखता है।